नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंटर का रिजल्ट हुआ जारी, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। बिहार में गुटखा पान मसाला की बिक्री पर लगा बैन। बिहार दिवस को लेकर पटना डीएम और एसएसपी ने की बैठक। सीयूईटी पीजी 2023 के लिए इस दिन तक करे आवेदन। पूर्व दिग्गज ने बताया भारत के नाम 10 साल से एक भी आईसीसी ट्रॉफी न होने का कारण। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंटर का रिजल्ट हुआ जारी, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। आज दोपहर 2 बजे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा बिहार 12वीं बोर्ड के परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। छात्र अपना परिणाम देखने के लिए बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.biharboardonline.gov.in पर या www.biharboardonline.com पर जाकर देख सकते हैं। बता दें कि इस दौरान बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह भी मौजूद रहे। मालूम हो कि 12वीं बोर्ड परीक्षा में आर्ट्स में 42.74%, साइंस स्ट्रीम में 83.93% और कॉमर्स में 93.35% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। बता दें कि साइंस स्ट्रीम में 474 नंबर के साथ आयुषी नंदन ने टॉप किया है, तो वहीं आर्ट्स स्ट्रीम में 475 अंक के साथ मोहदेशा टॉप है और कॉमर्स स्ट्रीम में 475 अंकों के साथ सौम्या शर्मा और रजनीश कुमार पाठक ने टॉप किया है। बिहार में गुटखा पान मसाला की बिक्री पर लगा बैन। बिहार में शराबबंदी के बाद अब एक बार फिर से सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि खाद्य संरक्षा आयुक्त सेंथिल कुमार के द्वारा आदेश जारी कर यह जानकारी दी गई है कि अब बिहार में अगले 1 साल तक के लिए गुटखा पान मसाला की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लग गया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश जारी कर यह कहा गया है कि लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सरकार पूरी तरह से गंभीर है और उनके स्वास्थ्य को लेकर सरकार की ओर से कोताही नहीं बरती जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की पहली प्राथमिकता है कि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। वहीं अब इस नियम के लागू हो जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सृजन घोटाले में आईएएस अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी का हुआ वारंट जारी। सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा सृजन घोटाले मामले में बुरी तरह से फंस चुके पूर्व आईएएस अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित करते हुए उनके गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया गया है। बता दें कि जिन आईएएस अधिकारियों को भगोड़ा घोषित किया गया है उनमें भागलपुर के पूर्व जिलाधिकारी केपी रमैया, अमित कुमार और रजनी प्रिया के नाम शामिल है। मालूम हो कि सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा गिरफ्तारी के लिए स्थायी वारंट जारी करने का निर्देश 28 फरवरी को दिया गया था। इसके साथ ही अदालत के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया था कि इन तीनों के मुकदमा के अभिलेख को अलग अलग कर दिया जाए। इसके अलावा सीबीआई के द्वारा अमित कुमार और रजनी प्रिया के चल और अचल संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की है। आज शाम 6 बजे होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक। आज शाम 6 बजे बिहार विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। बता दें कि आज होने वाला यह कैबिनेट बैठक मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई एजेंडों पर मुहर लगाई जाएगी। मालूम हो कि इस बैठक को लेकर सभी विभागों को निर्देश दिए जा चुके हैं और साथ ही सामने प्रशासन विभाग के द्वारा एक लेटर भी जारी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज होने वाले इस कैबिनेट बैठक को लेकर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई जा सकती है, जिसमें 7वें चरण की शिक्षक नियोजन की नियमावली पर भी मुहर लगाए जाने का कयास है। बिहार दिवस को लेकर पटना डीएम और एसएसपी ने की बैठक। बिहार दिवस 2023 की तैयारियों को लेकर पटना जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं पटना वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा के द्वारा एक बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सुदृढ़ सुरक्षा के लिए सभी पदाधिकारी सजग, सतर्क एवं सक्रिय रहे। इसके साथ ही पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंच जाएंगे तथा तब तक अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर मुस्तैद रहेंगे जब तक कि भीड़ कार्यक्रम स्थल से पूरी तरह वापस न चली जाए एवं मैदान पूर्णतः खाली न हो जाए। पटना जंक्शन पर अश्लील फिल्म दिखाने के मामले पर हुई बड़ी कार्रवाई। रेलवे की ओर से पटना जंक्शन पर अश्लील फिल्म दिखाने के मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि इस मामले से संबंधित एजेंसी दत्ता स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज करा दिया गया है। मालूम हो कि संबंधित एजेंसी के खिलाफ राजकीय रेल थाने में केस दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही इस मामले को लेकर दानापुर डीआरएम प्रभात कुमार के निर्देश के बाद संबंधित एजेंसी दत्ता स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड से करार को रद्द कर दिया गया है और एजेंसी को
ब्लैक लिस्टेड करने के साथ साथ आई की कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल पटना जंक्शन पर टीवी प्रसारण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। चौथे कृषि रोड मैप को लेकर कृषि मंत्री ने कहा ये। बीते दिन बिहार विधान परिषद में कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के द्वारा चौथे कृषि रोड मैप को लेकर कहा गया कि इस रोड मैप के बाद किसानों की सभी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के किसानों को मजबूत बनाया जा सके इसके लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना भी चलाई जा रही है। इसके अलावा 2022-23 के अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना के तहत 94,05,54,000 रुपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें से अब तक 82,14,32,336 रुपए को अनुदान राशि के कुल 25,839 यंत्रों की आपूर्ति किसानों की अनुदानित दर पर की जा चुकी है। बता दें कि यह सभी बातें कृषि मंत्री के द्वारा नीरज कुमार के ध्यानाकर्षण के जवाब देते हुए कहा गया है। पटना यूनिवर्सिटी के पार्ट 2 और पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म इस दिन तक भरे। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय प्रशासन के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर महेश मंडल के द्वारा कुलपति प्रोफेसर आरके सिंह के निर्देश के बाद अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि स्नातक 2021 से 24 द्वितीय वर्ष एवं 2020 से 23 तृतीय वर्ष की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाकर अब 25 मार्च तक कर दी गई है। यानी कि छात्र बिना विलंब शुल्क के 25 मार्च तक नियमित व व्यावसायिक के परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि परीक्षा निर्धारित समय पर ही ली जाएगी, क्योंकि परीक्षा कार्यक्रम पहले ही घोषित की जा चुकी है। मालूम हो कि यह निर्णय कुलपति के द्वारा छात्रहित में लिया गया है। फिलहाल कॉलेजों में प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही हैं। CUET PG 2023 के लिए इस दिन तक करें आवेदन। अगर आप भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि CUET PG 2023 के लिए 20 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है, जो कि 19 अप्रैल 2023 तक चालू रहेगी। बता दें कि इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए CUET की आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि CUET PG के लिए करेक्शन विंडो 20 से 23 अप्रैल के बीच खोली जाएगी। बता दें कि अब तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। अब गांव के सरकारी स्कूलों में वाईफाई। आज बिहार विधानसभा के दौरान भाजपा विधायक स्वर्णा सिंह के द्वारा बिहार के गांव में वाईफाई लगाने की मांग उठाई गई, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा जवाब देते हुए कहा गया कि यह विषय उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, लेकिन फिर भी वह पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस काम को पूरा कर सके। जिसके बाद नंदकिशोर यादव के द्वारा सदन में कहा गया कि शिक्षा मंत्री ने खुद कहा है कि यह उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के द्वारा इस पर जवाब दिया जाना चाहिए, जिस पर विजय चौधरी के द्वारा कहा गया कि 2021 में वाईफाई की जिस सुविधा की शुरुआत हुई थी, चाहे वह किसी भी विभाग से जुड़ा हो, सरकार निर्देशित करेगी कि यह योजना चालू रहे और साथ ही सरकार की ओर से यह भी प्रयास किया जाएगा कि ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में वाईफाई की योजना शुरू की जाए। डिप्टी सीएम के बयान पर बीजेपी ने कसा तंज। बीते दिन बिहार विधानसभा में बिहार के उपमुख्यमंत्री के द्वारा एक बयान दिया गया, जिससे राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना और न ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है, हम जहां हैं ठीक है। वहीं अब इस बयान पर बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान के द्वारा तंज कसते हुए कहा गया है कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव ने जो भी कहा है सही कहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव न तो मुख्यमंत्री बनेंगे और न ही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, क्योंकि 2024 में अगर कोई प्रधानमंत्री बनेंगे तो वह नरेंद्र मोदी होंगे, इसलिए देश में प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को 2025 में बिहार में भी मौका नहीं मिलेगा। पशुओं के इलाज के लिए खरीदी जाएंगी 307 एम्बुलेंस। बहुत जल्द ही अब राज्य में पशुपालकों के दरवाजे पर उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि बीते दिन बिहार विधानसभा में प्रभारी मंत्री जितेंद्र कुमार राय के द्वारा तारकिशोर प्रसाद के ध्यानाकर्षण में जवाब देते हुए यह घोषणा की गई कि राज्य में सरकार की ओर से केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 307 एम्बुलेंस की खरीदारी की जाएगी। मालूम हो कि इसके लिए 70% राशि केंद्र सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है, जबकि वाहन के रखरखाव के लिए 60% राशि केंद्र सरकार के द्वारा और 40% राशि राज्य सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में 307 एम्बुलेंस की खरीदारी के लिए केंद्र सरकार की ओर से अक्टूबर 2021 में 49.12 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन मई वर्ष 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा नए आदेश जारी कर दिए गए। मालूम हो कि एक एम्बुलेंस की लागत 16 लाख आंकी गई थी, लेकिन विभाग की ओर से तय किए गए मानक में 20 लाख का खर्च बताया गया है।
बिजली प्रबंधन में सुधार के लिए बनी योजना। बिहार के बिजली प्रबंधन की रह गई कमियों को सुधारने के लिए ऊर्जा विभाग की ओर से एक योजना तैयार की गई है। बता दें कि ऊर्जा विभाग के द्वारा तैयार की गई योजना 13,270 करोड़ रुपए की है। मालूम हो कि यह जानकारी बीते दिन बिहार विधान परिषद की दूसरी पाली में वित्तीय वर्ष 2023-24 के ऊर्जा विभाग के आय व्यय पर हुई चर्चा के जवाब में रूप में बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा कही गई। इस दौरान विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा सभी को यह भी जानकारी दी गई कि इसरो की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नाइट टाइम बिजली में 474% का इजाफा हुआ है। इन सबके अलावा ऊर्जा मंत्री के द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य के 4.80 किसानों को 7 निश्चय योजना के तहत बिजली अनुदान भी दिए जाएंगे। पूर्व दिग्गज ने बताया, भारत के नाम 10 साल से एक भी आईसीसी ट्रॉफी न होने का कारण। पिछले 10 साल से यानी कि वर्ष 2013 के बाद भारत के द्वारा एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता गया है। वहीं अब पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी मोहम्मद अफीज के द्वारा बताया गया है कि आखिर किस कारण से भारत के हाथों पिछले 10 साल से आईसीसी का ट्रॉफी नहीं आ पा रहा। बता दें कि मोहम्मद अफीज के अनुसार आप घरेलू क्रिकेट की तुलना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से नहीं कर सकते। इसी तरह आप द्विपक्षीय सीरीज खेलने के दबाव की तुलना आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट से नहीं कर सकते। हमने 2022 का विश्व कप देखा है कि भारत दबाव को संभालने में सक्षम नहीं रहा है। वे अहम मैच हारे, सेमीफाइनल हारे और यहां तक कि क्वालिफाई भी नहीं कर सके। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की 95.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, विकास राज, सोनू कुमार तांती, कुश कुमार यादव, एच के मल्होत्रा, नुनू गोलू कुमार, रवि कुमार राम, रविशंकर, अभिषेक राज, मोटू रंगीला, रंजीत कुमार, बाबूलाल मरांडी, शंकर मुखिया, मोहम्मद सकीर हुसैन, मंगिता भारती। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार स्कूलों में वाईफाई लगने से शिक्षा के स्तर में कितना सुधार होगा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।